नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। राम मंदिर शिलान्यास की खुशी में राम भक्तों ने सुंदर कांड का पाठ कर खुशी में बांटा लड्डू। अयोध्या कुमारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पूरे लाल खा कुजवा में संजीव पाठक कोटेदार के द्वारा मंदिर के शिलान्यास की खुशी में अपने आवास पर खुशी में सुंदर कांड का पाठ का आयोजन कराया गया और प्रसाद में 25 किलो लड्डू बांट कर खुशी का इजहार किया गया। वहीं श्री राम नवेश पाठक ने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि करीब 500 वर्षों की तपस्या के बाद यह शुभ घड़ी आई है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना स्थायी घर मिला है, जिससे हम लोगों में इतनी खुशी है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहीं गांव के BDC मनीराम निषाद ने बताया कि राम मंदिर में राम भक्तों के बलिदान को आज न्याय मिला। बहुत से राम भक्तों ने मंदिर के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, अपने प्राण तक गवा दिए। राम भक्त प्रदीप पाठक ने बताया कि राम मंदिर शिलान्यास से जो खुशी मिली है, उस खुशी को व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। पूरा जीवन धन्य एवं साकार हो गया। जीते जी भव्य राम मंदिर को अपने आंखों से बनता देख रहा हूं, जो एक सच होते सपने से कम नहीं है। राम मंदिर शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था एवं परिवेश वेशभूषा को दिल से सराहा। राम भक्तों ने कहा, यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना होते तो शायद आज ये अवसर देखने को न मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से ही भगवान रामचंद्र जी न्यायिक प्रक्रिया से यथाशीघ्र भगवान को उनके स्थायी घर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन हो पाया। राम भक्तों ने बताया, भगवान राम मंदिर निर्माण से एवं भगवान राम की कृपा से लोगों को रोजगार एवं यश कृति एवं अयोध्या की एक अलग पहचान देश विदेश में होगी एवं भगवान राम के आदर्शों पर चलकर देश की पक सामाजिकता एवं संस्कृति को एक नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर गांव के समस्त सम्मानित व्यक्ति व गांव की आशा बहु व सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए अयोध्या से ब्यूरो चीफ शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।